बाग पर एक सप्ताह पूर्व हुई महिला की हत्या का खुलासा। अवैध संबंध के शक में पति ने की थी महिला की हत्या। आरोपी पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गला दबाकर और गोली मारकर की गई थी हत्या। पहचान छुपाने के लिए पेट्रोल डालकर जलाया गया था शव। बड़ौत कोतवाली पुलिस टीम ने किया वारदात का खुलासा। पति गिरफ्तार किया था, पत्नी हत्या क्यों की? ये 27 तारीख को, जो बीती 27 तारीख थी, ओसी का अंडर पास के पास एक अध्यली शव मिला था एक महिला का, जो लगभग 30 वर्षीय थी। और उसमें एक मुकदमा लिखाया गया था जिस खेत के पास से डेड बॉडी बरामद हुई थी, उस खेत के मालिक ने मुकदमा लिखाया था। हमने उस बॉडी की शिनाख्त का प्रयास किया तो उस महिला की जो बॉडी जो मिली थी उस पर शिनाख्त हुई। मोनिका नाम से वो महिला की पहचान हुई। उसकी हत्या उसके पति द्वारा की गई है। हत्यारे अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त से पूछताछ में जानकारी हुई कि अभियुक्त अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था, इसी कारण से उसने हत्या की। पहले उसने उसका गला दबाया, जब वो बेहोश हो गई फिर उसकी दो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पति से क्या प्रोफाइल है, कब शादी हुई थी इसकी? ये लगभग 12 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी। ये अपना खेती करता है और इसको अपनी पत्नी पर शक था, इसी कारण से इनमें मनमुटाव चलता था। पिछले 4 माह से लड़की अपने घर पर थी। अभी घटना से एक दिन पहले ही वो उसको उसके मायके से लेकर आया था और उसने हत्या कर दी। हत्या में कोई और भी शामिल था? कैसे इसने सबको यहाँ ला के डाला? नहीं, हत्या में कोई और शामिल नहीं था। जो अभी उससे पूछताछ की, उससे जानकारी हुई है कि उसने अकेले ही उसकी हत्या की। जिस जगह हत्या की है वहाँ पर उसने ये बहाना बनाकर कि मुझे पेशाब जाना है, वो वहाँ पर उसने अपनी मोटरसाइकिल रोकी, फिर महिला का पीछे से उसने गला दबाया। जब वो बेहोश हो गई तब उसने उसको वहीं पर दो गोलियां मारी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में उसने उसके पर तेल छिड़क कर आग लगा दी जिससे कि उसकी पहचान ना हो सके। थैंक यू।